किसानों का संसद पूछ टला कार्यक्रम, राकेश टिकैत बोले एमएसपी पर हमसे सीधे बात करे सरकार। प्रयागराज में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज, एसएचओ पर लगा गंभीर आरोप। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस कानून में 3 क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता। केरल सरकार का आदेश, बच्चों की एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, वयस्कों के लिए जरूरी फरमान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की समीक्षा, कहा सतर्कता की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सहारनपुर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। 3.5 महीने बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। देवबंद के गांव शेखपुरा में 24 साल की गर्भवती महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बताया कि देवबंद के गांव शेखपुर शेख में 24 साल महिला की 23 नवंबर को देवबंद सीएचसी पर कोरोना जांच की गई। जांच का सैंपल राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से उनकी रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया। कोरोना पॉजिटिव महिला को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। एक केस ये सहारनपुर में जो है, ये अम्बेटा शेख देवबंद ब्लॉक में अम्बेटा शेख गांव है, वहाँ एक ये प्रेग्नेंट लेडी थी। ये देवबंद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो प्रेगनेंसी की ये लेडी थी, तो इसको जांच, जो नियमित जांच हम लोग कराते हैं, उसमें कराई गई थी। तो इसको मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच भेजी गई थी, आरटीपीसीआर में ये पॉजिटिव है, और इसका बच्चा भी एंटीजन में पॉजिटिव है, एक बेबी इसका। इसको जो है फिलहाल घर भेज दिया था कल होम आइसोलेशन के लिए, और आज इसको बुलाया गया है। इसको लेबर पेन शायद हो रहे हैं, तो उसको वहीं हम देवबंद सीएससी में भर्ती करा कर इसकी डिलीवरी कराएंगे, आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे इसको। और इसके घर के दोनों तरफ 10 घर दोनों तरफ इसके, उनकी सैंपलिंग कर ले ली गई है। गाँव में 170 सैंपल। रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की एक निजी जगह कर पहली बैठक की। बैठक में विभिन्न पदों पर एसोसिएशन के पदाधिकारी नियुक्त की गए और जानकारी दी गई कि दिसंबर के महीने में एसोसिएशन की तरफ से जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई जाएगी। एसोसिएशन के सचिव राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि 16 से 19 दिसंबर 2021 तक विभिन्न आयु वर्ग की जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी और जीतने वाले खिलाड़ी स्टेट लेवल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। आज रायबरेली डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की पहली मीटिंग हुई है, जिसमें ये आगामी दिसंबर में होने वाले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के बारे में निर्णय लिया गया और उसकी तिथियां निश्चित हुई हैं 16, 17। रामनगरी अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दिन लाखों की तादाद में लोग भगवान राम लला के दर्शन करने की इच्छा लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन समय की उपलब्धता पूरी न होने के कारण बहुत से लोग राम लला के दरबार नहीं पहुंच पा रहे। इसके लगातार सुरक्षा कर्मी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच बैठक के दौरान समय को बढ़ाए जाने की योजना पर विचार किया गया। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट इस योजना पर सहमत नहीं है। इस संबंध में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक अन्य मंदिरों की अपेक्षा राम जन्मभूमि परिसर में भी दर्शन की अवधि को बढ़ाए जाने के बारे में सोचता है। आप याद करिए 5 जुलाई 2005 उसके बाद भी दो चार बार कोई ना कोई लोग पकड़े गए वहां। इसका विकल्प आपके पास मेरे पास क्या है? हमारे पास तो कोई नहीं, और किसी पर हो तो वो एसएसपी साहब को लिख दे कि ये विकल्प है इसका। अंधेरे में जांच पड़ताल कैसे हो? हमें
कठिनाइयां सभी की समझनी है। हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसी परिस्थिति बनना तो एकदम संभव नहीं है, और अगर कोई खुराफाती दिमाग होगा तो जनता की भीड़ में करके दहशत पैदा कर देगा, 150 लोगों की जान लेकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में संबल क्षेत्र के कैलादेवी मंदिर पर न्यू निर्माण थाने का शुभारंभ किया गया। न्यू निर्माण थाने का शुभारंभ करने के साथ एसपी ने जानकारी दी और कहा कि थाना में जनता की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने में सावधानी के साथ ईमानदारी से करना होगा। क्षेत्रवासियों को एसपी चक्रेश मिश्रा ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो मांगे हैं वो काफी सालों से कही जा रही हैं और जल्द ही उनको पूरा भी किया जाएगा। ये कैला देवी यहाँ का एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और ये क्षेत्र पूर्व में अपराध के लिए जाना जाता रहा है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर अभी सभा हुई थी 2 महीने पहले, उसमें उनके द्वारा घोषणा की गई थी और ये स्थाने को आज से शुभारंभ किया गया है। इसका इसमें अभी एक एसओ और 5 सब इंस्पेक्टर और 35 के करीब सिपाही पोस्ट किए गए हैं, 5 महिला कांस्टेबल भी पोस्ट की गई हैं। इसके साथ में ये अभी अस्थायी भवन में जो मेडिकल विभाग का है उसके अस्थायी भवन में इसको प्रारंभ किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये थाना जनता की जो अपेक्षाएं हैं जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने में सावधानी पूर्वक और ईमानदारी से काम करने में सक्षम होगा। इसके साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि उनकी ताज नगरी आगरा में 88 साल बुजुर्ग की वसीयत को पूरे शहर में चर्चा हो रही है। बुजुर्ग को बेहद सहारा नहीं दिया गया तो उन्हें अपनी सारी संपत्तियां जिलाधिकारी के नाम कर दी। उन्होंने संपत्ति की रजिस्टर वसीयत सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक थाना छत्ता के पास निरालाबाद पीपल मंडी निवासी ने अपने भाई नरेश शंकर पांडे रघुनाथ और अजय शंकर के साथ मिलकर 1983 में 1000 गज जमीन खरीद कर आलिशान मकान बनवाया था। वक्त के साथ चारों भाइयों ने अपना बंटवारा कर लिया। इस समय में गणेश शंकर चौथाई मकान के मालिक हैं। मकान की कीमत लगभग 13 करोड़ है। गणेश शंकर ने बताया कि उनके बेटे उनका ध्यान नहीं रखते हैं। एक बेटा दिमाग से कमजोर है और कोई काम धंधा नहीं करता है। समझाने पर बेटों ने उनसे नाता तोड़ दिया और उनका ख्याल नहीं रखते हैं। इस बात से खफा होकर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जिलाधिकारी के नाम कर दी है। जनता दर्शन में एक निराला नगर पीपल मंडी के रहने वाले श्री गणेश शंकर, उनके पिता का नाम स्वर्गीय उमा शंकर जी हैं, तो उनके द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की गई है जिसमें जिलाधिकारी के नाम उन्होंने वसीयत की हुई है। उनकी जो संपत्ति है पीपल मंडी में है, उनकी संपत्ति उसका 1/4 भाग जो उनके हिस्से में आती है उसको टोटल उन्होंने जिलाधिकारी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके हम लोग को सुपुर्द किया है। उनका कहना था कि उनके परिवार में जो बच्चे हैं या जो उनके परिवार के मेंबर हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है, उसी के कारण उन्हीं से खिन्न होके उनके द्वारा ये वसीयत रजिस्टर्ड जिलाधिकारी के नाम कराई गई है। लड़का जो है वो पता नहीं किस दिमाग का है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पागल भी नहीं है और कोई और बात भी नहीं है। वो जो है मकान का जो पोर्शन है, 4 पोर्शन है, आपस में बांट रखा है भाइयों ने हमने सब, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, उसको जाने की तकलीफ होती है और झगड़ा झंझट है उससे भी कुछ नहीं है। उन्हें तमाम जगह चल जाते तो हमने ताले डाल रखे हैं मकान में, तो अभी ये कोई नहीं कहते हैं उससे वो गोरखपुर में बीते दिनों हुई गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में ब्राह्मण बेटे की हत्या में सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीड़ित पिता ने कहा कि सरकार में हत्याएं लगातार हो रही हैं और ये भी कहा कि निर्मम हत्या के बाद हत्यारों के समर्थन में पुलिस लगी है। पुलिस की सह पर अपराधी की न्यायालय में पेश करवा दिया गया और इस मामले में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। इस मामले में बसपा के विधायक ने विनय शंकर तिवारी पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सर सरकार में अपराध चरम सीमा पर है, जबकि जिसका जवाब 2022 में मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
कोई भी अपराध मुक्त प्रदेश नहीं है। माननीय महाराज जी का कथन है तो जहाँ कह रहे हैं वहाँ कह रहे हैं। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरा ही लड़का मारा गया, अपराधी जो घूम रहा है तो कहाँ से मान लिया जाए। राज्य में कहीं पे भी ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। आए दिन जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हो रही हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश है, अगर अपराध मुक्त है तो अपराध युक्त प्रदेश किसको कहेंगे? सरेआम हत्या हो जा रही है और प्रशासन हत्यारे का सहयोग कर रहा है। जहां हत्याएं होती हैं सामान्य रूप से जो पीड़ित व्यक्ति होता है प्रशासन उसके साथ रहता है। यहां देखने में ये आ रहा है कि प्रशासन हत्यारे के साथ है, हत्यारे के लिए सहयोग कर रहा है, जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल रही है। और आज की तारीख में आप देखें पूरा प्रदेश में जंगल राज छाया हुआ है और आम आदमी मैंने कानून व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कानून शून्य है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा बाहर का एक व्यापारी मारा गया और इसके साथ ही साथ अभी गगहा में एक हत्या हुई थी, वहाँ पे भी प्रशासन की मदद से कोर्ट में सरेंडर कर गया अभियुक्त। यहाँ पे भी प्रशासन की मदद से कोर्ट में सरेंडर कर गया और जब प्रशासन ही उसको मतलब सहयोग करेगा किसी भी अभियुक्त का तो उसमें न्याय की कैसे उम्मीद है? आज की तारीख में अगर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, उससे पूछताछ नहीं करेगी तो हत्या में जो भी चीज़ प्रयोग हुआ, चाहे जो भी हथियार प्रयोग हुआ, चाहे ईंटा से मारा गया है, किसी धारदार हथियार से मारा गया है, वो हथियार बरामद कैसे होंगे, इस पर पुलिस का ध्यान नहीं है। पुलिस एक जात विशेष के, एक दल विशेष के लोगों का। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मिर्जापुर माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने माता विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना की और संविधान दिवस पर विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद देश को आजादी मिली है। जिन्हें हमें आजादी दिलाई है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जिले में नहर सफाई जल जीवन मिशन के कामों के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि उत्तर प्रदेश जनहितकारी विभिन्न योजनाओं में नवंबर पर एक पर है। सर माँ के पास आता हूँ, माँ का दर्शन करता हूँ और निश्चित रूप से माँ के कारण से आज मेरा उत्तर प्रदेश नंबर एक के स्थान पर जा रहा है। सभी क्षेत्रों में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर एक के स्थान पर है और माँ से प्रार्थना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का कल्याण हो और मेरा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर एक के स्थान पर पहुंचे। महोबा से 10 किलोमीटर दूर बने सिरसी कलन टोल प्लाजा में कांग्रेस की रैली जा रही सैकड़ों बसों में टोल में रोका गया और लोगों से पैसों की मांग की गई। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल अपनी बस से उतरी और टोल प्लाजा कर्मियों पर खूब बरसी। उनकी सैकड़ों महिला सदस्य भी सड़क पर उतर गईं और सैकड़ों कांग्रेसकर्ता भी इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सत्ता पक्ष की रैलियों में बसों को फ्री में जाने की इजाजत है। महोबा में प्रियंका जी की रैली है तो यहाँ पे हम लोगों को रोका जा रहा है, टोल प्लाजे में रोका जा रहा है। 220 रुपए एक बस का टोल मांगते हैं। जब मोदी की रैली होती है, दूसरी पार्टी की रैली होती है, तब हमारा यहाँ पूरा टोल फ्री होता है। हम भी फ्री निकलेंगे, हमारी प्रियंका जी की रैली है, हम रैली में जाएंगे और नहीं तो हम धरना प्रदर्शन यही करेंगे, यही बैठेंगे। प्रियंका गांधी जिंदा। फरुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के ट्रैक्टर न दिलाने के नाम पर एक युवक ने अपने पिता को जलाने का प्रयास करते हुए आग लगा दी। आग में झुलसने की वजह से पिता गंभीर रूप से झुलस गया। बाकी के परिवार वालों ने गंभीर हालत में उस अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए भर्ती करा दिया गया है। एक पेशेंट आया था लगभग ये 11 बजे के आसपास, जौहरी नाम था, 50 साल की लगभग उसकी एज थी और सन ऑफ बनवारी लाल अकबरपुर से, तो बर्न केस था और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सैफी मेडिकल कॉलेज के लिए। गोरखपुर के विकास खंड बासगांव में ग्राम पंचायत बेटहा से महिला ग्राम प्रधान कुसुम देवी ने अपने क्षेत्र के नायब तहसीलदार पर धांधली का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि पिछले 6 तारीख को हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के एक पोखरे की नीलामी हुई थी। इस पोखरे को लेने के लिए लगभग 12 लोगों ने आवेदन किया था, बावजूद इसके इस पट्टे को अन्य आवेदकों की जानकारी के बिना सुरेंद्र सहनी के नाम एक दिव्यांग के मात्र 30,000 प्रति साल की रकम पर कर दी गई
और ये काम धांधली की ओर इशारा करती है। इस पर प्रधान ने आगे कहा कि इस पट्टे को निरस्त कर फिर नए सिरे से सभी आवेदकों के बीच पट्टे की बोली लगाकर फिर से नीलामी की जाए और पूरे प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा मामला यही है कि मैं भीखा सेकराम प्रधान बोल रही हूँ। मेरे गांव का एक पोखरा था जिसे 12 लोग आवेदन किए थे, लेकिन उस पर बोली लगाया जाता था, लेकिन वहां बोली नहीं लगाया गया, एक ही आदमी को वो कर दिया गया जहां वहां बोली लगाना था। इस मामले में हमको आपत्ति है। हमारे गांव में ग्राम पंचायत बिठा के रानीपुर टोली में स्थित एक पोखरे की कल नीलामी थी, जिसकी कल एक व्यक्ति को दे दिया गया बिना नीलाम किए। बिजनौर के थाना नूरपुर में समाधान दिवस का आयोजन में एसपी डॉक्टर धर्मवीर पहुंचे और एसपी डॉक्टर धर्मवीर ने फरियादों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने थाने पर आने वाले फरियादों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा और बाकी के फरियादियों की परेशानियों को दूर करने के लिए भी कहा है। नूरपुर में आज का दौरा, आज समाधान दिवस यानी थाना दिवस है जी सर। हम लोगों ने यहाँ का विजिट किया और अभी तक भूमि विवाद से संबंधित 4 प्रकरण आए। एक प्रकरण पर ज्वाइंट टीम चली गई है, 3 प्रकरण पर अभी जाना है, पैमाइश करना है और एक अतिक्रमण से संबंधित है। इसके बाद ताजपुर और सोहरा थाने का भ्रमण। आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण की लगातार कार्रवाई जारी है, हालांकि अभी भी कई स्थानों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। एडीए सचिव बैजनाथ के नेतृत्व में टीम ने नरौली, जमालपुर और समूहपुर में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर मानचित्र पास कराए और फिर मानचित्र पास कराकर उसके आधार पर काम किया गया। विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 3 निर्माणाधीन भवनों को सील बंद कर दिया है। इसके अलावा एडीए सचिव ने चेतावनी दी कि सील बंदी की कार्रवाई को तोड़ने पर प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों को जो बिना मानचित्र पास कराए निर्माण काम करा रहे हैं उनको भी चेतावनी दी गई है। औरैया में अपराधियों के अंदर पुलिस का भय खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। मामला अच्छलदा थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव का है, जहां पर अपने घर के दरवाजे पर बैठे अधेड़ पर कार से आए अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस, अच्छलदा थाना पुलिस ने घायल को CSC में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए सैफई रेफर कर दिया है। सर ये उनकी पत्नी खाना देने आ रही थी और जो काफी देर से बैठे थे, 2-3 घंटे से गांव में बैठे थे, सुबह के टाइम पे उनकी बीवी खाना देने आई और जो इन लोगों का आना हुआ उधर से 3-4 लोग थे, इनका पानी पीना हुआ और जो 3-4 लोगों का आना हुआ, बस आते ही इन्होंने गोली मार दी एकदम अचानक। क्या बात हुई या आगे क्या थी हमको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं। ग्राम लिधौरा थाना छलदा में आज लगभग 11 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा जहीर खान उम्र लगभग 45 वर्ष को गोली मारकर भाग गए हैं, जिन्हें तत्काल CSC छलदा रवाना किया गया, जहां से बेहतर उपचार है सैफई भेजा गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद कर लिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। औरैया में सदर औरैया कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर कोतवाली पुलिस ने कई महीनों से जनता के लिए परेशानी का सबब बने चैन स्नैचर ग्रोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी शातिर अपराधियों पर एक्शन लिया जाता रहेगा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 6,810 रुपए के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इन सभी आरोपियों के ऊपर लूट और चोरी की कई मामले भी दर्ज है। बस्ती मंगलपुर का और दूसरा आजाद नगर थाना सिकंदरा का रहने वाला है। ये लोग वहाँ से आते थे और औरैया में इस तरह की घटनाओं को अंजाम करने के बाद वापस कानपुर देहात चले जाते थे, क्योंकि ये लोग लोकल थे नहीं तो कोई पहचान भी इनको नहीं पाता था। तो कल जो नारायणपुर चौकी अंतर्गत महिला का चेन छीना गया था उसको बुलाया गया था और उसे पहचान कराई गई, जिसमें उसने एक व्यक्ति को पहचाना भी है। इसमें से जो बंटी उर्फ सनी है इसको उसने पहचाना और बताया कि इसी ने उसकी चेन छीनी थी। बस्ती मंगलपुर का और दूसरा
5 दिन पहले हुई एक फैक्ट्री से 30 लाख का सामान चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी करने के 5 आरोपियों के अलावा चोरी का माल खरीदने के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद पुलिस ने सेक्टर 59 स्थित एक कंपनी ने 30 लाख का कॉपर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह लोग पहले भी छोटी मोटी चोरी करते रहे हैं और गिरफ्तार आरोपियों में से एक पलवल का रहने वाला है, जबकि बाकी सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक यह लोग पहले फैक्ट्री में गार्ड का काम करते थे और फिर मौका लगते ही वे माल पर हाथ साफ कर देते थे। फिलहाल पुलिस ने कुछ माल बरामद भी किया है, जबकि बाकी माल बरामदी के लिए आरोपियों के पास पुलिस रिमांड में लिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में होगा, 21-22 नवंबर 2021 की रात को सेक्टर 59 में एक कंपनी है राजदूत केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कॉपर वायर्स की लूट को अंजाम दिया गया था। गार्ड को और वहाँ एक वर्कर था, उनको बंधक बना के तो इस पे आदरणीय कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद वे DCP क्राइम साहब ने ये जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच 65 को सौंपी थी, जिस पे उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मामले को ट्रेस किया है। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए जो लूट डकैती में शामिल थे। उसके अलावा एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया जिसको इन्होंने मार बेच। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।